Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 14, our rights and duties. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था our rights and duties में जो हमारे fundamental rights हैं, ठीक है? हमारे fundamental rights हमें कौन provide कराता है? हमारा constitution, जो हमारा संविधान है, ठीक है? तो आपके 7 fundamental rights थे, ठीक है? जिसमें कि कल आपने 3 fundamental rights पढ़े थे, ठीक है? Right to equality, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू जस्टिस. इक्वलिटी मतलब सबको, सब एक समान है, ठीक है? सबको समानता का अधिकार है. जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, जितने भी नागरिक हैं, वो क्या है, वो सब एक समान है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, स्टेटस हो, ठीक है? फिर आपका सेकेंड था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. इस राइट के अकॉर्डिंग आपको आपको कोई भी अपने जो जो भी थाट्स होते हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, सभी को ये अधिकार है कि वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं उस टॉपिक पे, और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट था आपका राइट टू जस्टिस, मतलब न्याय का अधिकार. तो भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है कि अगर उनको किसी भी तरह का न्याय चाहिए तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है? और कानून की अदालत, जो अदालत होती है, कोर्ट होती है, उसमें उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और उन्हें जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? तो अब हम आगे इसी चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं. कल आपने 3 पढ़े थे, अब नेक्स्ट आपके जो 4 फंडामेंटल राइट्स रिमेनिंग है, अब हमें वो कंटिन्यू करना है, ठीक है? सो नेक्स्ट वन इज़ राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस. इसका क्या मतलब है कि आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं या उसको मान सकते हैं, ठीक है? ये डायग्राम आप इसमें क्या है, ये आपको, ये आपके सारे जो सिंबल हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, ये आपके रिलीजन से रिलेटेड हैं, ठीक है? जैसे ये क्रिश्चियन का हो गया, ठीक, ये मुस्लिम का, हिंदू का, ये सब क्या है, आपके सिंबल्स हैं रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है? जितने भी धर्म हैं उससे उसी को ये दर्शाते हैं ये सिंबल, ठीक है? एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड विजिट एनी प्लेस टू वर्शिप. भारत के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, फॉलो कर सकता है, ठीक है? और वो किसी भी प्लेस पे जाके पूजा कर सकता है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, टेम्पल हो, चर्च हो, ठीक है, या फिर मस्जिद हो, वो कहीं भी जाके अपने अपनी वर्शिप या पूजा कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इज राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. अगला आपका अधिकार क्या है कि हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है? एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन फॉर फ्री टिल द एज ऑफ 14. हर नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर नागरिक को अधिकार है कि वो जब तक उसकी एज 14 इयर्स की रहेगी, एज कितनी होगी, 14 इयर्स तक उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? वो फ्री एजुकेशन ले सकता है कौन सी एज तक, जब तक उसकी एज 14 इयर्स का ना हो जाए, ठीक है? मतलब कि 14 इयर्स तक आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? ये हमारा एक क्या है, अधिकार है, ठीक है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत, ठीक. नेक्स्ट वन इज राइट टू ट्रेवल एंड लिव एनीवेयर, ठीक है? मतलब कि हमें क्या अधिकार है, हम ट्रेवल करना मतलब घूमना फिरना, ठीक है? लिव एनीवेयर मतलब रहना. तो हमें ये अधिकार है कि हम कहीं भी, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ट्रेवल एंड लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. भारत के प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन को यह अधिकार है, यह राइट है कि वो कंट्री के किसी भी पार्ट में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है? मतलब इंडिया के किसी भी कोने में वो घूम सकता है और किसी भी पार्ट में वो रह सकता है, ठीक है? परमानेंटली या फिर घूमने भी जा सकता है या फिर कहीं भी रह सकता है, ठीक है? नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन, ठीक है? ये आपको, ये जैसे डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये सब अलग अलग प्रोफेशन के हैं, ठीक है? जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, नर्स, टीचर, जो लॉयर होते हैं, ये सब अलग अलग प्रोफेशन के दिए हुए हैं. मतलब कि हमें ये अधिकार है कि हम कोई भी प्रोफेशन, अपना व्यवसाय का कोई भी जरिया हम चुन सकते हैं, ठीक है?
एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू सेलेक्ट एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ही और सी लाइक्स। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, राइट है, कि वो कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन अपना चुन सकता है, ठीक है, अपनी लाइक के अनुसार, ठीक है, जो भी उसको पसंद हो, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, अपनी लाइक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोई भी प्रोफेशन या किसी भी ऑक्यूपेशन को वो चुन सकता है। जैसे मान लीजिए उसको डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर का ऑक्यूपेशन आराम से चुन सकता है, ठीक है, या किसी को नर्स, किसी को पायलट, मतलब जिसकी जिसकी जो चॉइस हो वो अपना प्रोफेशन चुन सकता है, ठीक है। तो आपके ये ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आपको सात कितने फंडामेंटल प्रोवाइड कराए गए, सेवन, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।